के जाने के बाद अभिमन्यु बना हुआ है अक्षरा और अभीर का सबसे बड़ा सहारा। अगर आप हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के रेगुलर व्यूअर, तो आप देख ही रहे होंगे सीरियल की कहानी में कितने हाई वोल्टेज ड्रामे हो रहे हैं। वही रक्षाबंधन के बाद अब यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है जन्माष्टमी का, और शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जन्माष्टमी के धमाकेदार सेलिब्रेशन में बड़ा ट्विस्ट आएगा। वही आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे जन्माष्टमी को लेकर अभिमन्यु मटकी फोड़ने के लिए जाएगा, और मटकी फोड़ने के लिए अक्षरा भी तैयार बैठी होगी। एक तरफ अक्षरा मटकी फोड़ेगी, दूसरी तरफ अभिमन्यु। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब अक्षरा का पैर फिसलेगा और अभिमन्यु अपनी मटकी छोड़कर अक्षरा की केयर करने के लिए चल देगा। जी हाँ, अभिमन्यु को आज भी जब अक्षरा की बात हो तो कुछ और दिखता ही नहीं है। अभिमन्यु को आज भी जब अक्षरा का सवाल हो तो कुछ और सुनाई ही नहीं देता। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अभिमन्यु हो जाएगा अक्षरा को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान, और अभिमन्यु के चेहरे पर अक्षरा को लेकर इतनी चिंता देखकर परिवार के लोग भी हो जाएंगे हैरान। अब आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है, शो के आगे आने वाले ट्रैक में स्टोरी लाइन में कौन सा नया ट्विस्ट आ जाता है, देखना होगा।